हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ेंगे रीनल फेलियर मतलब गुर्दों का फेल हो जाना तो इससे पहले मैं आप लोगों को ज़रा सा रिव्यू करूँ कि इससे पहले जो हमारे टॉपिक थे वो थे किडनी स्टोन्स हम पढ़ चुके थे उसके टाइप्स पढ़े थे उसके नेचर उसके खासिश उसके सिम्टम और उसके बाद हम आके ना फाइनली उसका ट्रीटमेंट भी हम पढ़ चुके थे कि किडनी स्टोन्स को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और तीन मेथड्स हमने फिर पढ़ी पी सी एन एल पढ़ा था ई एस एल पढ़ा था और लास्ट में ओपन रीनल सर्जरी ये सब हम पढ़ चुके हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर जाके प्ले लिस्ट से वो वीडियोज़ देखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीनल फेलियर तो देख कि गुर्दू का फेल हो जाना ये एक बहुत ही इजी ए, अगर इसको कोई डिफाइन करना चाहे तो बहुत इजी है सिंपल बात है अगर कोई चीज फेल हो जाता है मतलब अगर हम फेल हो जाता है हमारे मार्क्स कम आते हैं इसका मतलब यह कि अगर गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उनके मार्क्स कैसे कम आते हैं कि मतलब उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो रिड्यूस हो चुका है उसमें रिडक्शन आया है तो रीनल फेलियर जो है इसको अगर सिंपली आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मल फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है क्या हो रहा है कम हो रहा है आप लोग ऐसा कह सकते हैं उसमें क्या आ रहा है ग्रेजुअल Gradual, ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें लॉस आ रहा है उसका नॉर्मल फंक्शन जो है वो ग्रेजुअली लॉस हो रहा है कम हो रहा है तो इसको हम कहते हैं सिंपली रीनल फेलियर अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ बहुत डिटेल्स है हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल फंक्शन क्या होता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिन होता है सही है रिमूवल ऑफ टॉक्सिन किडनी का क्या काम है ये जो है ये टॉक्सिक चीज़ें जो है उनको रिमूव करता है बाडी से थ्रू यूरिन और फिर हम यूरिन में क्या करते हैं उसको एक्सक्रीट करते हैं तो देखें रिमूवल ऑफ टॉक्सिन जो है वो ग्रेजुअली वो लॉस हो रहा है मतलब उसमें कमी आ रही है तो टॉक्सिन कहाँ पर एकामुलेट होना शुरू हो जाएंगे ब्लड में ब्लड में क्या हो जाएंगे टॉक्सिन ज़्यादा बढ़ेंगे क्यों क्योंकि ब्लड की जो सफाई है सफाई का काम है वो कम हो रहा है किडनी फेल हो चुके हैं सही है तो अगर कोई आप लोगों से डिफाइन करने को कहे पेपर में आ जाता है तो बहुत सिंपल डिफिनीशन है कि द ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन इज कॉल्ड रीनल फेलियर सही हो गया अब आते हैं हम इसके टाइप्स पर कि किडनी का जो फेलियर है या गुर्दू का फेल हो जाना है तो इसके दो अकसाम हैं कौन कौन सी अकसाम है, एक है एक्यूट और दूसरा है क्रॉनिक दो अकसाम आप लोगों ने याद रखनी है टाइप्स में आप लोगों को मैं लिखूँ टाइप्स टाइप्स में क्या क्या है आप लोगों ने याद रखनी है कि दो अकसाम हैं एक हैंट एक्यूट रीनल फेलियर रीनल फेलियर और दूसरा है क्रॉनिक क्रॉनिक रीनियल फेलियर सही है और इन दोनों को हम अब डिटेल से पढ़ते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर में क्या फ़र्क है इनके जो काज है ये डिफरेंट है इसके काजेस डिफरेंट हैं फिर हम इसको डिफरेंट तरह से डील करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा एक्यूट रीनल फेलियर रीनल फेलियर हम पढ़ चुके हैं नॉर्मल फंक्शन रिडक्शन या उसमें नॉर्मल फंक्शन में कमी आना है टॉक्सिन जो है उसकी जो रिमूवल है बॉडी से वो सही तरीके से नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी रीनल फेलियर आ चुका है या तो रीनल फेलियर एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा अब एक्यूट होगा तो क्या होता है छोटा-छोटा सा मतलब तो, आप लोग यह, यह, यहां से ऐसे याद रखें कि acute जो है छोटा छोटा सा थोड़ी सी टाइम के लिए होता है तो क्या मतलब थोड़ी सी टाइम मतलब कम टाइम में कम टाइम लेस टाइम में आप लोग को लिखो लेस टाइम सही है अच्छा तो एक्यूट रीनल फेलियर या किडनी फेलियर में मैंने आप लोग को बता दिया कि इसमें क्या होता है एक्यूट मतलब छोटा सा बच्चा जो होता है छोटा सा वैसे छोटा सा आप यहाँ लगे छोटा सा टाइम लेस टाइम जो कि बहुत कम टाइम में होता है सही है तो देखो सडनली एक बंदे को ना उसकी किडनी फेल हो गई तो एक्यूट का मतलब ये है कि सडनली बहुत कम टाइम में छोटे से टाइम में सही है क्यूट से टाइम में छोटे से टाइम में बहुत कम टाइम में उसकी किडनी फेल हो गई सही है तो मैं आप लोग को लिख सकता हूँ कि जो एक्यूट रीनल फेलियर है किडनी फेलियर है ये सडन होता है सडन मतलब अचानक सही है अचानक कैसे हो गया कि, किसी बंदे की रीनल फेलियर तो इसके लिए भी कोई अलग वो है जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि अचानक ऐसे नहीं होता कि वैसे ही फेल हो गया उसको कुछ ना कुछ मसला ज़रूर होगा लेकिन बहुत अचानक सा उसकी जो है किडनी फेल हो जाती है सही है तो देखो कौन से लोग होते हैं जो रिस्क पर होते हैं रिस्क फैक्टर्स इसमें क्या है एक्यूट रीनल फेलियर का रिस्क फैक्टर क्या है किन लोगों में ज़्यादातर हो सकता है तो उन लोगों में ज़्यादातर हो सकता है जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है देखें ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड मतलब हॉस्पिटल में दाखिल है किसी और मरज़ की वजह से उसको कोई ना कोई और बीमारी है उनको किडनी का कोई मसला नहीं था लेकिन वह मेडिसन ले रही थी ड्रग्स ले रहे थे वो क्या ले रहे थे ड्रग्स या मेडिसन किसी और बीमारी के लिए ले रहे थे और अचानक जो है उन ड्रग्स ने क्या किया उसकी किडनीज़ को फेल कर दिया उसकी किडनीज़ को क्या किया फ़ेल fail किया फेलियर ऑफ द किडनी सामने आ गया तो इसको हम कहते हैं रीनल फेलियर जो कि बहुत से कम टाइम में हुआ है एक बंदा है जो हॉस्पिटल में किसी और बीमारी की वजह से दाखिल था वह मेडिसन ले रहा था उसकी किडनीज बिल्कुल ठीक ठाक थी लेकिन अचानक सडनली उसकी जो किडनीज है उन्होंने काम करना छोड़ दिया तो इसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर सही हो गया अच्छा अब आप लोग देखें कि इसके काज़ेज़ में क्या क्या है कि, आ, मतलब सडनली ऐसा क्या हो गया सडनली ऐसा क्या हो गया कि उसकी जो किडनीज थी वो फेल हो गई सही है तो काजेज़ में आप लोगों ने लिखना है ब्लड क्लाट्स सही है एंटीबायोटिक्स टॉक्सिन या हेवी मेटल अब आप इस काजेज़ की तो आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा तो मैं एक एक काज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ब्लड क्लाट्स क्या मतलब अच्छा तो अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि ब्लड क्लाट की वजह से एक्यूट किडनी फेलियर कैसे होता है आप लोग देखें ना अगर किसी वजह से आ, जो है वो जो पेशेंट था हॉस्पिटल में दाखिल था उसके ब्लड में कहीं से क्लाट जो है वह निकल कर सही है क्लाट निकल कर ब्लड में तैरना शुरू कर देता है सही है ये एक ब्लड क्लाट है सही है एक ब्लड क्लाट है जो कि ट्रेवल कर रहा है ट्रेवल कर रहा है यहाँ तक आ गया ये मैंने रीनल आर्टरी जो है किडनी तक जो आर्टरी आ गया है उसमें ट्रेवल कर रहा है सही है अब ये तो ट्रेवल कर रहा है लेकिन जब ये अंदर एक देखो ये जो क्लाट था ये एक छोटे से उसमें शुरू हो गया छोटे चो, से, से आर्टरी में सही है तो जब ये उसमें जाता है आगे तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक कर देता है आर्टरी को सही है यहाँ पर तो ये ट्रेवल कर सकता था देखें यहाँ पर ये ट्रेवल कर सकता था लेकिन ये यहाँ आकर ब्लॉकेज इसने काज कर दी सही है जब इसने ब्लॉकेज काज कर दी तो यहाँ जो निफरॉन है जो फिल्ट्रेशन कर रहे थे अब वो फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते और किडनी का जो फंक्शन है उसमें क्या आ गई कमी आ गई क्योंकि ये नेफ्रॉन जो है ये सारे नेफ्रॉन जिसको ये ब्लड सप्लाई हो रही थी वो अपना काम करना छोड़ देंगे सही है तो किडनी का फंक्शन जो है वो ब्लड लॉस ब्लड क्लाट की वजह से इंपेयर हो गया तो ब्लड क्लाट का आप लोग को सही तरीके से समझ आ चुका है देखिए अगर एक क्लाट है जो इसमें देखिए अगर कोई क्लाट है यहां से ट्रेवल करके यहां ब्लॉकेज कर दी सही है देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा इसका भी ब्लॉकेज तो अगर यहाँ पर जितनी भी नफरान है वो काम करना छोड़ देंगे तो ये भी क्या है एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी फेलियर का एक काज है सही है अच्छा तो हम आते हैं काजिस पर सही है तो काजिस में मैंने सबसे पहले जो ब्लड क्लाट की वजह से हो रहा था वो मैंने एक्सप्लेन किया इस तरह एंटीबायोटिक्स का टॉक्सिन जो होते हैं ना हेवी मेटल्स उसमें आते हैं लाइक लाइक हैवी मेटल्स देखें हैवी मेटल्स हो गए ना बहुत जो भारी बरकम मेटल मतलब ये कि जिनकी वैलेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है हाई हैवी मेटल्स सही है तो ऐसे मेटल जो है वो क्या करते हैं वो किडनीज पर उनका बहुत ख़राब इफेक्ट होता है हर एक का अपना एक आ, अलग मकैनिज़्म है लेकिन आप लोगों ने याद रखना ये है कि एक बंदा है जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज है तो शायद वो कोई मेडिसन ले रहा है तो मेडिसन का हमने पढ़ा था कि किडनीज पर बहुत ख़राब असर होता है सही है किडनीज का क्या किडनीज पर क्या होता है, है? ख़राब असर होता है मेडिसिन का तो एंटीबायोटिक्स शायद वो ले रहा है या फिर किसी और टॉक्सिन की वजह से उसकी किडनी जो है वो अचानक फेल हो जाती है तो इसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर सही हो गया अच्छा अब एक्यूट किडनी फेलियर का जो है ट्रीटमेंट हम पढ़ते हैं सही है तो ट्रीटमेंट जो है इसका बहुत अगर एक बंदा हॉस्पिटल में है और डॉक्टर को पता चला कि यार उसका जो है कोई ब्लड क्लाट की वजह से या फिर किसी और वजह से उसका एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है तो जल्दी से ज, जल्दी जल्दी क्या है इसकी रिवर, रिवर्सिबिलिटी जो है रिवर्सिबिलिटी मतलब दोबारा ठीक करना वो बेस्ट है इसकी रिवर्सिबिलिटी क्या है बेस्ट है सही है अगर एक बंदा अच्छी कंडीशन में बाकी हो रहा है तो उसकी इतनी ख़राब नहीं है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द काज़ वो कर सकते हैं कि अगर ब्लड क्लाट है तो उसको रिमूव करेगा ब्लड सप्लाई जो है वो दोबारा बहाल करेगा तो ट्रीटमेंट जो है मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा अकॉर्डिंग टू द काज सही है अच्छा एक पॉइंट एक्यूट किडनी फेलियर में एक अहम पॉइंट है इसका जो टाइमिंग है ना ये आप लोगों ने याद रखना है इम्पोर्टेंट सही है ये जो होता है ना ये कितने टाइम में हो सकता है इंसान को कुछ घंटों पहले जो है कुछ घंटों में हो सकता है कुछ घंटे पहले बंदा बिल्कुल ठीक ठाक उसकी किडनीज काम कर रही है लेकिन कुछ घंटों में जो है उसको ये हो सकता है मतलब टू टू थ्री तो आवर्स हो गए फोर आवर्स हो गए ना तो उसकी किडनीज जो है चंद ही घंटों में फ़ेल हो सकती है सही है तो ये जो है और के हिसाब से या अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो फ्यू डेज़ लगेगी एक दो दिन जो है वो लगेंगे किडनी फेल होने में तो अगर कुछ घंटों से लेकर कुछ एक दो दिन तक है तो इसको हम फिर एक्यूट कहते हैं सही है और आगे जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉनिक किडनी फेलियर क्रॉनिक का मतलब यह है क्रॉनिक का कि एक बहुत ही लंबा तड़ंगा प्रोसेस है सालों लग जाती है दस साल पंद्रह साल और किडनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही है आपको पता भी नहीं चलता इतना माइन्यूट सा चेंज आ रहा है सही है अगर किडनी का फंक्शन हंड्रेड है सही है और पिर जो है वो नाइन्टी नाइन पर आ रहा है फिर जो है वो किस पर आ रहा है नाइन्टी एट पॉइंट नाइन बहुत कम पॉइंट पॉइंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो मतलब दस साल लग सकते हैं पंद्रह साल लग सकते हैं किडनी फेलियर में तो इस प्रोसेस को जो है इसको हम क्या कहते हैं क्रॉनिक किडनी फे फेलियर सही हो गया और वो जो था वो तो इस तरह था कि अगर किडनी का फंक्शन एक्यूट में हंड्रेड था तो सडनली वो टेन uh, हो गया सडनली वो फाइव हो गया मतलब इतना डायरेक्ट चेंज आ गया सही है किडनी का जो ग्राफ था ना अगर हंड्रेड पे था तो सीधा वो कहाँ पर आ गया दस पर आ गया पाँच पर इतना स्लो सही है लेकिन यहाँ पर जो है क्रॉनिक में क्रॉनिक में अगर सौ था पहले फंक्शन तो वो इस तरह आहिस्ता 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 सालों लग जाती है इस तरह इस तरह आखिर में ना बिल्कुल लास्ट में जो है दस साल बाद पंद्रह साल बाद दस तक पहुँच जाता है सही है तो बहुत टाइम लगता है और इस इस तरह जब किडनी फेल हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर सही अब क्रॉनिक किडनी फेलियर का मैं पहले आप लोगों को कॉजेज बताऊंगा फिर उसके बाद मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि इसमें होता क्या है सही है तो हम स्टार्ट करते हैं इसके काज़ तो इसके काज़ में क्या हैं मतलब जो सालों वाला सिस्टम है बहुत लंबा जो प्रोसेस है बहुत सालों बाद में जखबरा होती है एक बंदे को ना डायबिटीज़ है में जिसको हम शुगर कहते हैं सही है शुगर का मरीज़ है तो अगर शुगर का मरीज़ है तो तकरीबन उसमें ना उसको तो पता भी नहीं चलता कि मेरी किडनीज़ ख़राब हो रही है लेकिन उसकी किडनीज जो होती है वो बहुत रिस्क पर होती है सही है उसकी किडनीज़ बहुत रिस्क की होती है मतलब उसको टिन्यूअसली जो है उसकी किडनीज को बहुत खतरा होता है क्यों खतरा होता है तो मैं आप लोग को एक एक एक्सप्लेन करूंगा कि डायबिटीज में होता क्या है हाइपर टेंशन में ऐसा क्या होता है कि किडनीज को मतलब फेलियर क्या खतरा होता है इंसेड्स जो है ये ड्रग्स हैं नॉन नॉन्टेराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सही है अगर एक बंदा इंसेड्स बार बार का है जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं ना या पेर, आ, पेन किलर जो होती है इंसेड्स भी दर्द के लिए होती है ये भी सही है तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये जो है ये पेन किलर है तो दोनों ग्रुप्स जो है ये क्या काज कर सकते है किडनी फेलियर तो ये ड्रग्स हैं ये दोनों सही है और ये ये दो जो है बीमारियां हैं तो इन दो बीमारियों में भी किडनी को बड़ा खतरा होता है और ये ड्रग्स खाने में भी तो इनका जो ज्यादा इस्तेमाल है तो ये भी किडनी को खराब कर सकता है और अगर ये दो बीमारियां तो उसको क्रॉनिक किडनी फेलियर हो सकता है सही है तो पहले हम डायबिटीज़ पर आते हैं कि डायबिटीज़ में क्या होता है कि किडनी को बड़ा खतरा होता है अच्छा तो मैं आप लोगों को डायबिटीज एक्सप्लेन कर रहा था कि डायबिटीज में क्या होता है किडनी पर क्या इफेक्ट होता है तो देखो मैंने आप लोगों को एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में सही है अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो ज़रूर प्लेस से जाकर देखिएगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा था जो एफ फ्रेंट के जरिए ए फ्रेंट अल्ट्रीओल के ज़रिए जो ब्लड आ रही थी ग्लोमेरुलस में और फिर ई फ्रेंट के जरिए निकल रही थी तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा था अब डायबिटस के मरीज़ में क्या होता है कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है बहुत हाई होता है सही है ब्लड में बहुत ज़्यादा क्या है ग्लूकोज है तो सबसे पहला जो प्रोसेस है ना किडनी को क्या करना चाहिए तो यूरिन में, तो में भी आपको ग्लूकोज आएगा नजर सही है लेकिन नॉर्मल जो पेशेंट सॉरी नॉर्मल जो लोग होते हैं तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है तो जो ग्लूकोज फिल्टर होता है वो दोबारा बॉडी में चला जाता है सही है तो अब यहाँ पर किडनीज़ पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है क्या पड़ रहा है ग्लूकोज़ लेवल हाई है ज़्यादा से ज़्यादा आपने फिल्टर आउट करना है ग्लूकोज़ को फिर ग्लूकोज़ को बाहर निकालना है तो किडनी पर एक एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ रहा है इसके अलावा जो किडनी की खुद की सप्लाई है किडनीज को जो चीज़ सप्लाई कर रही है तो उसमें भी क्या आ रहे हैं जो है माइक्रोवस्कुलर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से किडनीज़ पर बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है सही है इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स है कि ग्लाइकेशन ऑफ प्रोटीन होती है डायबिटीज में जो कि बहुत अलग चीज़ है आप लोगों को लेकिन आपके लेवल पर बस इतना ही समझे कि डायबिटीज़ में किडनीस पर एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ रहा है बाकी किडनी को भी सही गजा नहीं मिल रही तो इसी वजह से जो है किडनीस खराब होती जाती है अच्छा अब डायबिटीज़ तो होगी अब हम आते हैं दूसरा जो है हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन जो है ना इसको हम ब्लड प्रेशर भी कहते सही है बीपी ब्लड प्रेशर अब अगर ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ गया है 120 सौ बीस बाई अस्सी ये नॉर्मल है हमारे पास अगर एक बंदे का ज़्यादा है तो होता क्या है देखो मैं एक ब्लड वेसल ड्रा कर रहा हूँ ये है एक ब्लड वेसल सही है। अब इस ब्लड वेसल का अगर प्रेशर बढ़ गया है ये इसके अंदर खून है ब्लड है सही है तो ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि ये खून इस दीवार पर कितना फोर्स लगा रही है इसका जो दीवार है ब्लड वेसल का इस पर कितना फोर्स लग रहा है तो देखो अगर ये बढ़ जाएगा तो जाहिर बात है कि ये वेसल जो है इसको डैमेज का खतरा होगा सही है क्या होगा वेसल में डैमेज का खतरा होगा और ये इजीली ट्रेवल नहीं कर सकेगा तो बात यह है कि क्या आ रहे हैं यहां पर भी वस्कुलर वस्कुलर जो है वो डैमेज आ रहा है जब वस्कुलर डैमेज आ रहा है तो किडनी जो है उसमें वस्कुलर डैमेज हो आ जाएगा और इसी तरह जो है उसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस आएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद तो डायबिटीज हो गया हाइपरटेंशन जो है उसमें भी विसल को ख़तरा होता है इसी तरह अगर इंसेड गाएँगे तो भी किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा इन जो है इन टॉक्सिनस को रिमूव करने में तो अगर क्रॉनिकली किडनी पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो किडनी जो है उसका फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होगा अगर आप एक बंदे पर उसकी ताकत से ज़्यादा काम करेंगे तो बंदा कमज़ोर होता जाएगा तो इसी तरह जो है किडनीज़ uh, का फंक्शन जो है वो अल्टीमेटली ख़राब हो जाता है सही है जब ग्रेजुअल uh, या स्लो सडन uh, नहीं वहाँ पर सडन था लेकिन यहाँ पर ग्रेजुअल है अगर ग्रेजुअल जो है किडनी का फंक्शन कम हो रहा है तो इसको हम क्रॉनिक कहते हैं सही है और इसमें क्या हो जाता है यूरीमिया हो जाता है यूरीमिया अब क्या चीज़ है uh, यूरीमिया जो है जो टॉक्सिन होती है ना वो किडनी में बुल्डअप हो जाती है तो कौन सा टॉक्सिन जो है यूरिमिया में है यूरिमिया मतलब क्या है आ, यूरिया यूरिया जो है ना वो ब्लड में क्या हो जाता है यूरिया में जो ब्लड है ब्लड में जो यूरिया है वो ब्लड यूरिया वो ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं यूरिमिया सही है? आम तौर तो पर क्या करता है किडनी किडनी यूरिया को रिमूव करता है लेकिन अब किडनी की जो लॉस ऑफ फंक्शन है वो आ गया है वो रिमूव नहीं कर सकता तो क्या हो जाएगा यूरिमिया हो जाएगा किडनी का ब्लड में जो है वो बढ़ जाएगा यूरिया सही है और फाइनली हम आ, जो है कहाँ पर आ जाएंगे ई एस आर डी इंड स्टेज रीनल डिजीज़ इसका क्या मतलब है ई एस आर डी ई एंड स्टेज रीनल डिजीज और बंदे को हो जाएगा इंड स्टेज रीनल डिजीज मतलब यह है कि किडनी जो है वो ईड स्टेज पर पहुंच चुकी है मतलब उसका फंक्शन जो है वह तकरीबन तकरीबन आ, पांच पर आ गया है सही है अब हम क्या करते हैं अब जब किडनीज का फंक्शन बिल्कुल खत्म होने के करीब है तो डॉक्टर आएगा ट्रीटमेंट पर किस चीज पर आएगा ट्रीटमेंट पर उसको ट्रीट करेगा तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है डायलिसिस क्या है डायलेसिस और डायलिसिस जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सही है तो अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मैं अभी जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ पूरा जितना हमने पढ़ लिया सही है अच्छा हमारे पास है सबसे पहले हमारे पास है क्या है रीनल फेलियर हम पढ़ रहे थे सही है तो रीनल फेलियर के हमारे पास क्या थे दो अकसाम थे एक था एक्यूट था और दूसरा क्या था क्रिक था सही है एक्यूट जो किडनी फेलियर था वो उसमें क्या हो रहा था कि बहुत सडन अचानक जो है किडनी ख़राब हो जाती थी सही है और फिर हमने उसकी काजिश पड़े कि उसमें क्या था अचानक कोई ब्लड क्लाट आ गया कहीं से भी बॉडी में और आके किडनी के एक आ, उस विसल में पंस गया जिसकी वजह से ना किडनी के निफरान जो है वो डे, डे, डे हो गए तो इसी वजह से एक, एक वो हो गया सही है किडनी फेलियर हो गया या फिर कोई एंटीबायोटिक टॉक्सिन या हवी मेटल्स आकर किडनी में पंस जाते हैं या फिर किडनी का कोई भी वो हो डायरेक्टली सडन उसमें चेंजेस लेके आते हैं और किडनी खराब हो जाती है सही है तो इसका टाइमिंग हमने कितना बढ़ा था कि फ्यू और से लेकर फ्यू डेज तक सही है अब अगर एक पेशेंट है और वो डॉक्टर्स को अवेलेबल है तो ये जो वो है क्लाट जो है ब्लड क्लाट जो है कोई भी तो उसको हम रिमूव करके डायरेक्टली जो है इसकी रिवर्सिबिलिटी दोबारा <duev> जो है किडनी को हम तो दोबारा बेहतर हालत में ला सकते हैं तो इसकी रिवर्सिबिलिटी जो है वो बहुत बेस्ट है अगर हम काज को ट्रीट करेंगे काज को ट्रीट करेंगे तो काज को ख़त्म करेंगे जिसने काज किया था एक्यूट किडनी फेलियर तो हम डायरेक्टली रिवर्सिबल दोबारा किडनी को अच्छी तरह से बना सकते हैं सही है लेकिन यहाँ पर जो है केस अलग है यहाँ पर जो है काजिज़ क्या थे डायबिटीज़ था हमारे पास हाइपरटेंशन था इंसेट्स थे और पेन किलर तो ये जो डायबिटीज़ था ये आहिस्ता आहिस्ता को कर कर रहा था। डेट कर रहा था तोड़ी तोड़ी। मतलब बहुत से आ रहा था सही है दोबारा है। है। तो हम वही हालत में नहीं ला सकते सही है तो ये जो है इसके काजिज बड़े खतरनाक है आहिस्ता आहिस्ता है लेकिन किडनी को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं सही और क्या हो रहा था जब किडनी का फंक्शन लॉस हो रहा था तो यूरिमिया आ रहा था ब्लड यूरिया जो है वो बढ़ रहा था सही है और फाइनली जो है पेशेंट किस स्टेज पर आ गया इंड स्टेज रीनल डिजीज़ इंड स्टेज रीनल डिजीज़ और इस इंड स्टेज रीनल डिजीज़ जब किडनी पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी होती है तो हम फिर क्या करते हैं फिर हम उसकी डायलिसिस करते हैं आर्टिफिशियल मशीन के जरिए फिर हम क्या करते हैं उसकी ब्लड को साफ कर देते हैं तो वो जो है वो हमारा अगला टॉपिक है अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं